कहूंगा कि पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने पुलिस वेलफेयर सोसाइटी अपना नया पेट्रोल पंप बनाने जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। इस मौके पर तमाम बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एसपी, कमिश्नर, कलेक्टर सहित तमाम बड़े लोग मौजूद रहे। सबका कहना था हम बहुत जल्दी यहाँ पर पेट्रोल पंप चालू कर देंगे। पूरे पेट्रोल पंप के बारे में हमने एडीजीपी रीवा से बात की, उसकी भी उन्होंने क्या कुछ कहा था हम आपको ये भी जरूर सुनवाएंगे। पुलिस वेलफेयर सोसाइटी अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रही है। यह पेट्रोल पंप पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का रीवा में दूसरा होगा, जिसका आज विधिवत भूमि पूजन किया गया। सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, जिसके चलते तमाम औपचारिकता पूरी होने के बाद कमिश्नर रीवा अनिल सुचारी, एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने जिस जगह पर पेट्रोल पंप खोला है उस जगह पर विधिवत भूमि पूजन किया। यह जगह पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक सामने है। भूमि पूजन के बाद हमारी टीम ने एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से बात की। उनका कहना था हम महीने डेढ़ महीने में पेट्रोल पंप बनाकर उसको प्रारंभ कर देंगे, अप्रैल माह में हमारा पेट्रोल पंप शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी हमारा एक पेट्रोल पंप चालू है, हम उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल पंप चलाएंगे, तमाम वो सुविधा आम आदमी को उपलब्ध कराएंगे जो एक पेट्रोल पंप में होनी चाहिए। पुलिस वेलफेयर सोसाइटी का रीवा शहर में एक पेट्रोल पंप और भी चल रहा है। यह पेट्रोल पंप एसएफ चौराहे के पास है। माना जा सकता है पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने जिस तरीके से अपना पेट्रोल पंप संचालित कर रखा है, वह भी जनता की नज़रों में ऐसा ही खरा उतरेगा नया पेट्रोल पंप बनने वाला। आम आदमी मानकर चलता है, पुलिस का पेट्रोल पंप है इसलिए यहाँ पर मिलावट नहीं होगी। उच्च गुणवत्ता का पेट्रोल या डीजल जो भी उनको चाहिए वो पुलिस के पेट्रोल पंप पर उनको मिल जाएगा, जिसके चलते एसएफ चौराहे में इस पेट्रोल पंप में काफ़ी दूर दूर से लोग पेट्रोल भराने आते हैं। हालांकि नया पेट्रोल पंप जिस जगह पर खुल रहा है इस जगह पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही 3 पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। कालेज चौराहे के पास पहला पेट्रोल पंप गुप्ता पेट्रोल पंप, उसके बाद कनौड़िया पेट्रोल पंप, थोड़ी ही दूर पर पुलिस वेलफेयर का नया पेट्रोल पंप खुलने जा रहा है, थोड़ा आगे जाने पर खन्ना पेट्रोल पंप। यह पेट्रोल पंप कनौड़िया पेट्रोल पंप के पास खुलेगा। ऐसे में बाकी पेट्रोल पंप के लिए चैलेंज होगा जनता की नज़रों में अपनी साख बनाने का। माना जा सकता है पुलिस वेलफेयर सोसाइटी को एनओसी मिल गई है, उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। महीने डेढ़ महीने में रीवा शहर की जनता को एक पेट्रोल पंप की सौगात और मिल जाएगी। पूरे मामले को लेकर हमने एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव से बात की, उनका साफ तौर से कहना था आज हमने अपने पेट्रोल पंप का भूमि पूजन कर दिया है, हम तेज़ी से पेट्रोल पंप का काम स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी हम अपना पेट्रोल पंप प्रारंभ भी कर देंगे। आइए आपको सुनाते हैं एडीजीपी केपी वेंकटेश्वर राव ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा। पुलिस वेलफेयर की तरफ से और हम लोग जो है नीति में है कि हमारे पुलिस के ज़मीन में पेट्रोल पंप हम चला सकते हैं और जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इसमें उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। और बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हमारे जो भी क्वालिटी रहेगा एकदम टॉप क्लास क्वालिटी रहेगा। भारत पेट्रोल के अधिकारी लोग आए हैं तो हम अप्रैल 15 तक चालू करने की संभावना है। तो शहर के लिए एक हमें मैं बोल सकता हूँ एक गिफ्ट है कि हम इसमें जो है 100% गुणवत्ता रहेगा, ये गारंटी के साथ हमारा रहेगा। और जो भी इसका जो हमारा जो उसमें प्रॉफिट आएगा हम वेलफेयर के लिए हम यूज़ करेंगे। हमारे पुलिस परिवार के जो शहीद हुए हैं और जो भी है जो रिटायर्ड हुए हैं उनके उन बच्चों के लिए हम उनके मेडिकल के लिए मेडिकल हेल्थ के लिए और अन्य वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जिसमें।